हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूं बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कुरकुरे शकरपारे की रेसिपी। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और मेजरमेंट्स को फॉलो करके आप बना पाएंगे बिल्कुल परफेक्ट हलवाई स्टाइल शकरपारे, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शकरपारे बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, आधी कप चीनी, 1/3 कप पानी, 1/3 कप घी और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। तो सबसे पहले यहाँ हमने ले लिया है एक बोल, इसमें हम डालेंगे 1/3 कप पानी और 1/2 कप चीनी और इसी के साथ ऐड कर देंगे देसी घी, ये भी 1/3 कप है। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी और पानी अगर आप हल्का गुनगुना डालेंगे तो चीनी इसमें जल्दी मेल्ट होगी। और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर और इन सभी चीज़ों को जब तक चीनी घुल नहीं जाती तब तक मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हमारी घुल चुकी है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल रही हूँ। मैदा जो है आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि पानी जो है गाढ़ा हो गया है चीनी मिक्स होने के बाद, तो अगर हम एक साथ मैदा ऐड कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी इसको मिक्स करने में। मैं इस तरह से विस्क की हेल्प से इसे मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो स्पून या फोक की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। और क्योंकि ये मिक्सचर अब थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसको हाथ से मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए एक डो तरह का फॉर्म हो गया है और अब हम इसको रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये डो फॉर्म हो गया है और ये डो जो है बेलने के लिए रेडी है। ये बढ़िया सा चिकना आटा बन के रेडी है। तो अब हम इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो आटा बनाने के बाद उसे आधे घंटे तक रेस्ट होने दें तो वो थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से चिकना भी हो जाएगा। तो आटा रेस्ट होने के बाद उसको 1 से 2 मिनट तक फिर से गूंद ले तो ये बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। तो आधा डो मैंने ले लिया है, इस तरह से मैंने इसका राउंड बना लिया है और अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बेलते समय हमें इसमें घी या आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत स्मूथ है, बहुत ही आसानी से आप इसे बेल लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है। तो हमने इसको बेल लिया है, मैं अभी इसके पीसेस कट करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितने मोटाई में बेला है। और इसी तरह से आप इसके लंबे पीसेस कट कर लें। इसके बाद में हम इसके स्क्वायर्स कट करेंगे, आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी काट सकते हैं या आप इनको थोड़ा सा बड़ा भी कट कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से स्क्वायर्स बना रही हूँ। तो हमारे स्क्वायर्स जो हैं वो बनके रेडी हैं। तो मैंने इतनी मोटाई रखी है इस शकरपारे की और जब हम ये शकरपारा फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा फूलेगा, तो इसलिए आप इससे ज़्यादा मोटा इसे ना रखें और इससे ज़्यादा पतला भी ना करें, वरना वो शकरपारे वाली फील नहीं आएगी इसको खाते समय। तो हमने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इसको गरम करें। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक पीस शकरपारे का इसमें डाल के चेक कर लें, जिससे कि पता चल जाएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और जब आप चेक करेंगे शकरपारा इसमें डाल के, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस तरह से बबल्स बनने चाहिए ऑयल में और बहुत जल्दी शकरपारा रेड भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी सिक रहा है शकरपारा तो ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद उसमें ये शकरपारे बाकी के ऐड करें। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखें कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल ठंडा होगा तो शकरपारे बहुत ज़्यादा घी अब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि ऑयल अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो शकरपारे के हल्के से गोल्डन होते ही फ्लेम को आप कर दें लो। जब मैंने शकरपारे डाले थे तो मीडियम टू लो थी, अब मैंने बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक इसका बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तो मेरे जो शकरपारे हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये देखिए जो बबल्स हैं वो भी कितने कम हो गए हैं। तो हमारे शकरपारे बनके रेडी हैं। तो हमने अब इसको एक किचन टॉवल पे निकाल लिया है, तो बहुत ही बढ़िया कलर आया है, बहुत ही कुरकुरे और सॉफ्ट शकरपारे बने हैं। बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें, मैदा का आटा जो हम बनाएंगे वो अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए लगभग आधे घंटे से 1 घंटे तक,
और उसके अलावा हमें जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखनी है जब हम शक्करपारे फ्लेम ऑयल में डालें, और उसके बाद लो फ्लेम पे इन्हें बना के तैयार करना है। तो बिल्कुल परफेक्ट शक्करपारे बनके तैयार होंगे। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग एंड हैप्पी दिवाली।